इसका बी वाला पार्ट देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर है, यहां पर एक 30 मीटर का कोई क्या दे रखा है, बिल्डिंग है 30 मीटर की, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है जो लगाया गया है। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से इसके बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60 है, यानी बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी है जिसको हमने एक्स मान लिया। आप लिखें ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी ए हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और इसको नाम दो कुछ बी डी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग। अब आप देखें तो पहले कौन से ट्रेंगल मिलेंगे, आप देखें अगर इस ट्रेंगल में लेते हैं तो हम बी डी इजिली निकाल पाएंगे। सो इन ट्रेंगल बी ए डी, बी ए ए बी डी लिखिए या बी ए डी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी अपॉन बी डी, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 30, ए बी है हमारे पास 30, बी डी हमारे पास ये है और 10 30 हमारे पास क्या होता है 1√3 1/√3। सो बी डी आ गया 30√3। अब इस बड़े वाले ट्रेंगल में लो, इन ट्रेंगल सी बी डी, तो यहां सी बी अपॉन बी डी इज 10 और एंगल है अब 60 डिग्री। सी बी को हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी और बी डी है हमारे पास, हमने अभी निकाला 30√3। 10 60 होता है √3, ये है सी ए जो है हमारा एक्स और ए बी हमें निकालना, ए बी हमारा है 30 और ये हो गया 30√3 × √3। रूट थ्री इंटू रूट थ्री हमारे पास होता है 3, यानी 30 × 3 90। इसको इधर ले जाओ, एक्स इज इक्वल टू 90 − 30 यानी कि 60 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है वो होगी 60 मीटर। सिंपली आप इसे निकाल सकते हो, अकॉर्डिंगली दोनों ट्रेंगल्स में लें और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।